डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जिला गठन की घटनाक्रम को। प्रदेश में कैसे 3 जिले से हम 33 जिलों का सफ़र तय किए हैं, कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वह 1861 की दौर में इस समय जो वर्तमान छत्तीसगढ़ हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये सभी एरिया को मिलाकर मध्य प्रांत बनाया गया, सीपी बनाया गया, इसका नाम रखा गया सीपी या केंद्रीय प्रांत। यह 1861 की बात है और इस समय केंद्रीय प्रांत की राजधानी वह नागपुर थी। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो 1861 के दौर में मध्य प्रांत का हिस्सा बना। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 3 जिले थे। यहीं से छत्तीसगढ़ राज्य में जिले गठन का इतिहास बनती है। जब हम मध्य प्रांत के हिस्से में थे तो उस समय प्रदेश में 3 जिले कौन कौन सा था, एक बिलासपुर था, एक रायपुर था और एक संबलपुर था। ये जो ऊपर का सरगुजा हिस्से हैं वह बंगाल प्रांत का हिस्सा था उस समय का। ठीक है, समझिएगा ध्यान से इसको। जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे हैं उसके आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया। तो इसमें हमने अभी पढ़ा है कि 1861 में इसे मध्य प्रांत में शामिल किया गया। अगला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी हैं, यानी सीपी की राजधानी कौन है। तो इसमें हमने पढ़ा था नागपुर, नागपुर सीपी प्रांत की राजधानी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्राचीन समय में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। प्राचीन समय मतलब 1861 के दौर पर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, पहला बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा संबलपुर। यहाँ से प्रश्न भी आ चुका है। उसके बाद 1862 में यह तीनों जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया। उस समय मध्य प्रांत को 5 संभाग में विभक्त किए गए, जिनमें से एक संभाग आपका छत्तीसगढ़ बना, एक संभाग जबलपुर बना था, एक संभाग सागर बना, एक संभाग नागपुर बना और एक संभाग गोदावरी तालुका बना। तो उसी 5 संभाग में से एक संभाग हमारा छत्तीसगढ़ बना। वो छत्तीसगढ़ संभाग कब बना है, 1862 में, तो यहाँ ध्यान रखना। जो संभाग के प्रमुख होते हैं उसको कमिश्नर बोलते हैं, इस कारण संभाग को कमिश्नरी प्रांत के नाम से भी जाना जाते हैं। और छत्तीसगढ़ संभाग के अधीन यह 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। यह दौर की कब की हैं, यह 1862 की दौर का है यह। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं। रायपुर कमिश्नरी कब बना, तो हमने यहाँ पढ़ा था कि रायपुर कमिश्नरी 1862 में बना। यहाँ ध्यान रखना कि संभाग को कमिश्नरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेश को मध्य प्रांत के संभाग के रूप में सम्मिलित किया गया। तो यहाँ ये याद रखना कि 1862 में इसे सम्मिलित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया। तो यह बनाया गया है 1862 में। उसके बाद सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। ध्यान रखना, रायपुर था, बिलासपुर था और संबलपुर था, यहाँ दुर्ग जिला नहीं था। दुर्ग जिला का गठन 1906 में, आगे हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब दौर आता है वर्ष 1905 का, जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ का भी भौगोलिक पुनर्गठन हो गया था। कैसे भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, तो यह पीएससी मेंस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में उस समय 3 जिले थे, कौन कौन सा, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर।
1905 में संबलपुर को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया था और इसके बदले हमको 5 रियासत दिया गया। भले ही हमारे पास रियासत की संख्या 14 का 14 बना ही रहा, लेकिन 5 संबलपुर के साथ चला गया और 5 छत्तीसगढ़ के साथ फिर से जोड़ा गया। तो कौन कौन से 5 रियासत संबलपुर के साथ चला गया इसको आप देख सकते हो। कालाहंडी 1, बमरा 2, रायखोल 3, सोनपुर 4 और पटना 5। यह 1905 के दौर पर इसको अलग कर दिया गया और इसके बदले ये 5 को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं, वह हैं कोरिया 1, चांगभकार 2, सरगुजा 3, जसपुर 4, जयपुर 5। यह 5 रियासत को शामिल किया गया था। यहाँ व्यापम में प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम नक्शा कब बना, तो यह 1905 में छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम नक्शा बना। 1905 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 2 ही रह गई। कौन कौन सा, एक बिलासपुर, दूसरा रायपुर। अगला प्रश्न है विगत वर्ष में जो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं वह है 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि संबलपुर को छत्तीसगढ़ से हस्तांतरित करके इसको अलग कर दिया गया था बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में। अब बात आता है अगला 1906 का। वर्ष 1906 में रायपुर के पश्चिम भाग को अलग कर एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम रखा दुर्ग। तो यहाँ ध्यान रखना कि हम पहले 3 जिले थे, उसके बाद 1905 में 2 हो गए, उसके बाद 1906 में फिर से एक नया जिला बना, फिर हम 3 जिले हो गए। प्रदेश में जिलों की संख्या अब पुनः 3 हो गई। अब यहाँ से जो प्रश्न आए हैं उसको हम देखेंगे। पहला है दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था, तो हमने यहाँ पढ़ा है 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ। नेक्स्ट है यह आपका CGPSC AP 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। पहला पॉइंट है प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। अभी हमने इसको पढ़ा है कि 1856 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए जिसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर थे। वर्ष 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत में हस्तांतरित कर दिए गए। तो अभी हमने पढ़ा इसको हस्तांतरित 1905 में कर दिए गए, तो ये भी सही हो गए। उसी समय एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया, तो यह है गलत। तो यह न्यू जिला 1906 में बनाया गया है ना कि 1905 में। इस प्रकार यहाँ सही आंसर 1 और 2 ही सही हैं। तो चलो अब बात करते हैं वर्ष 1948 का। वर्ष 1948 में 3 नए जिले बनाए गए और पहले से 3 नए जिले थे। तो वर्ष 1948 के अंतिम दौर में प्रदेश में जिलों की संख्या 6 हो गई। तो कौन कौन से 3 नए जिले बनाए गए, 1 नवंबर 1948 को सरगुजा, 1 जनवरी 1948 को रायगढ़ जिला बनाया गया और 1948 में बस्तर जिला बना। तो हम कह सकते हैं कि 1948 में 3 जिला बना जिसमें सरगुजा 1, रायगढ़ 2 और बस्तर 3। तो प्रदेश में जिलों की संख्या अब 6 हो गई। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ऊपर में सरगुजा हैं, उसके नीचे पूर्व की तरफ रायगढ़ हैं, पश्चिम की तरफ बिलासपुर, पश्चिम में देखेंगे तो दुर्गा और दुर्गा के पूर्व की ओर रायपुर, लास्ट में है ये आपका बस्तर 6। देश 1948 में जिलों की संख्या 6 हो गई और इन्हीं 6 जिलों के साथ ध्यान में रखिएगा 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे। हमारे छत्तीसगढ़ को CP से हटाकर MP में शामिल कर दिए, तो उस समय यहाँ 6 जिले थे। 1956 में हम मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गए। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ष 1956 में छत्तीसगढ़ MP
में आया, तो फिर उस समय यहाँ छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितने थी? इस प्रकार से प्रश्न यहाँ आ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिला हैं? सरगुजा एक, रायगढ़ दो, बिलासपुर तीन, दुर्ग चार, रायपुर पाँच और बस्तर छः। तो यह छः जिले को याद रखना। और यह छः जिले हैं वह दो संभाग में विभक्त था, एक बिलासपुर संभाग में और दूसरा रायपुर संभाग में। देख सकते हैं यह पीसी में पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या मध्य प्रदेश के गठन के समय छः थी। इसके बाद हम देखेंगे वर्ष 1973। 1973 में फिर एक नया जिला बना जिसका नाम है राजनांदगांव। पहले से जिलों की संख्या छः थे, एक नया जिला बनाया गया, तो फिर अब कुल जिलों की संख्या हो गए सात। तो दुर्ग से इसके पश्चिम वाले भाग को अलग करके बना दिया गया राजनांदगांव। तो सात कौन कौन से हुए उसको हम एक बार देख लेते हैं। सरगुजा एक, बिलासपुर दो, रायगढ़ तीन, रायपुर चार, दुर्ग पाँच और राजनांदगांव एक नया है वह छः है और बस्तर सात। यह सात जिला बना। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बना है उसको देख लेते हैं। दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ है? तो दुर्ग जिले के विभाजन से राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ है। यह दुर्ग जिले के पश्चिम भाग को अलग करके राजनांदगांव जिला का निर्माण किया गया। अगला है राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई थी? तो राजनांदगांव जिले की स्थापना वर्ष 1973 में हुआ था। यह प्रश्न एसीएफ 2017 में पूछा गया था। इसके बाद सन 1998 की बात आती है। वर्ष 1998 में नौ नया जिला बना और पहले से जिलों की संख्या थी सात, तो कुल मिलाकर जिलों की संख्या हो गए अब 16। तो पहले कौन कौन से नौ जिले कहाँ कहाँ से अलग होकर बने हैं इसको हम देखेंगे। सरगुजा के पश्चिम भाग को अलग करके बनाया गया कोरिया जिला। रायगढ़ के ऊपरी भाग को अलग करके बनाया गया जसपुर। बिलासपुर के ऊपरी हिस्से को अलग करके बनाया गया कोरबा और उसके निचले हिस्से में बनाया गया जांजगीर चांपा। यहाँ चार जिले हो गए, कोरिया एक, जसपुर दो, कोरबा तीन और जांजगीर चांपा चार। जबकि राजनांदगांव का 70% हिस्सा बिलासपुर, राजनांदगांव का 70% हिस्सा, बिलासपुर का 30% हिस्सा को अलग करके कबीरधाम जिला बनाया गया। कवर्धा याद रखना, बिलासपुर के उत्तर पूर्व हिस्सा को अलग करके बनाया गया महासमुंद और दक्षिण हिस्सा को अलग करके बनाया गया धमतरी। जबकि बस्तर जिला के ऊपरी भाग को, कांकेर उत्तर वाले भाग को अलग करके बनाया गया कांकेर जिला और नीचे दक्षिण वाले भाग को अलग करके बनाया गया दंतेवाड़ा। कौन कौन से हो गए इसको एक बार और देख लेते हैं। कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा। यहाँ नौ जिले का नया निर्माण हुआ। तो यह प्रदेश में पहले जिलों की संख्या था सात और नया जिलों की संख्या है नौ, तो कुल 16 जिले बना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा कि यहाँ से पीएससी में भी प्रदेश में कौन कौन से नए जिले बने हैं इसका नाम लिखने के लिए आया था। एक बार आप यदि इसका डायग्राम बना दीजिए को तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। देखो, पहला कोरिया, उसके बगल में सरगुजा, बगल में जसपुर तीन, जसपुर के नीचे रायगढ़ चार, रायगढ़ के पश्चिम भाग में ऊपर की ओर कोरबा पाँच, नीचे की ओर जांजगीर चांपा छः, बिलासपुर सात, कवर्धा आठ, राजनांदगांव नौ, दुर्ग 10, रायपुर 11, महासमुंद 12, 13, कांकेर 14, बस्तर 15 और दंतेवाड़ा 16। 1998 की यह 16 जिले याद रखना। अब बात करेंगे जो विगत वर्ष में 1998 से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। किस वर्ष बस्तर का विभाजन करके दो नए जिले बनाए गए? तो वर्ष 1998 में बस्तर का विभाजन करके दो नए जिले बनाए गए, जिसमें एक कांकेर है, दूसरा दंतेवाड़ा है।
नेक्स्ट बात करेंगे बस्तर की विभाजन के से कौन से नए जिले बने। तो अभी हमने पढ़ा है बस्तर के विभाजन से कांकेर और दंतेवाड़ा बने। अगला है राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना। तो इसमें अभी हमने पढ़ा है राजनांदगांव जिले से विभाजन होके बना है कबीरधाम कवर्धा जिला। इन्हीं 16 जिलों के साथ हमारा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इस समय हमारे छत्तीसगढ़ 3 संभाग में विभक्त था। आज जो बिलासपुर और सरगुजा संभाग था वह उस समय बिलासपुर संभाग था। आज जो रायपुर और दुर्ग संभाग हैं उस समय वह रायपुर संभाग था। और जो बस्तर संभाग हैं वह बस्तर संभाग था। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं इसको देख लेते हैं। राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। तो राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 थी। राज्य के निर्माण के समय निम्नलिखित में से कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं था। तो राज्य के निर्माण के समय धमतरी था, दंतेवाड़ा था, रायगढ़ था, गरियाबंद जिला राज्य के निर्माण के समय यह नहीं था। अब बात करते हैं वर्ष 2003 का। 2003 में प्रदेश में 3 जिलों का नाम चेंज हुआ। कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहला है कवर्धा, कवर्धा का नाम चेंज करके कर दिया इसका नाम कबीरधाम। दूसरा यह बस्तर है, तो बस्तर के उत्तर भाग को जो कांकेर जिला है उसको बस्तर के नाम से कर दिया उत्तरी बस्तर कांकेर। जबकि दक्षिण भाग जो दंतेवाड़ा था उसको दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया। तो आज कांकेर का नाम है उत्तरी बस्तर कांकेर। शासन की कोई भी वेबसाइट में आप देख सकते हैं उत्तरी बस्तर कांकेर लिखा होगा। जबकि दक्षिण भाग में तंतरी दक्षिण बस्तर कांकेर लिखा रहता है। यह नाम परिवर्तन हुआ 2003 में। तो यह 3 जिलों का नाम परिवर्तन हुआ 2003 में। यह 3 जिलों का नाम रखना। यहाँ से जो विगत वर्ष में प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तन किया गया जिसमें से कौन कौन सा हैं वहाँ कांकेर, कवर्धा और दंतेवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर के नाम से जाना जाता है। दंतेवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है छत्तीसगढ़ में उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है कांकेर को उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब बात करेंगे हम वर्ष 2007 का। 2007 में बस्तर के दक्षिणी भाग को अलग करके नारायणपुर बना गए और निचले भाग को बीजापुर बनाया गया। तो इससे पहले 16 जिले थे, 2007 में 2 नए जिले बने। अब कुल प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 18। एक बार सरसरी तौर पर 18 जिले का नाम देख लेते हैं। कोरिया 1, सरगुजा 2, जसपुर 3, रायगढ़ 4, कोरबा 5, जांजगीर चांपा 6, बिलासपुर 7, कवर्धा 8, राजनांदगांव 9, दुर्ग 10, महासमुंद 11, रायपुर 12, कांकेर 14, बस्तर 15, नारायणपुर 16 और बीजापुर। विगत वर्ष में यहाँ से प्रश्न आए हैं उसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला वह है दंतेवाड़ा जिला का हिस्सा पहले था। मई 2007 में दंतेवाड़ा जिले से बीजापुर जबकि बस्तर से नारायणपुर को अलग करके बनाया गया। अगला है नारायणपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया। तो नारायणपुर है वह जिला का निर्माण बस्तर जिले से अलग करके नारायणपुर जिले का निर्माण किया गया। अब आता है 2012 का दौर। समय है 15 अगस्त 2011 का। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 9 जिले नए बनने का गठन किया गया और यह सभी जिले 1 जनवरी 2012 को अस्तित्व में आया। तो पहले जिलों की संख्या था 18, अब फिर 9 जिले आए तो फिर कुल जिलों की संख्या हो गए अब 27। यदि प्रश्न आता है कि दिसंबर 2011 तक प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी रही तो यह 18 ही होगा क्योंकि 1 जनवरी 2012 से नए जिले
अस्तित्व में आया है। देखते हैं 2012 में कौन कौन से नए जिले अस्तित्व में आया है। तो सरगुजा से अलग करके एक सूरजपुर बनाया गया और दूसरा बलरामपुर। यह वर्ष 2012 की बात है। सरगुजा से नए दो जिले बन गए, एक सूरजपुर दूसरा बलरामपुर। नेक्स्ट है बिलासपुर से अलग करके बनाया गया मुंगेली। जबकि दुर्ग के उत्तर भाग को बेमेतरा के रूप में नए जिले बनाया और दक्षिण भाग को बालोद जिले नए बनाए। इस प्रकार दुर्ग से दो नए जिले बन गए, उत्तर की ओर बेमेतरा और दक्षिण की ओर बालोद। जबकि रायपुर के उत्तर वाले भाग को अलग करके बनाया गया बलौदा बाजार भाटापारा। जबकि रायपुर के पूर्वी हिस्से को अलग करके बनाया गया गरियाबंद। और बस्तर के ऊपर वाले हिस्से को अलग करके बनाया गया कोंडागांव। जबकि दंतेवाड़ा के दक्षिण भाग को अलग करके बनाया गया सुकमा। तो ये हो गए 9 नए जिले। एक हो गया सरगुजा से बना है सूरजपुर, दूसरा बलरामपुर, बिलासपुर से बना है मुंगेली 3, दुर्ग के ऊपर की ओर बेमेतरा 4, नीचे की ओर बालोद 5, उसके बाद रायपुर के ऊपर की ओर बलौदा बाजार 6 और नीचे की ओर गरियाबंद 7, बस्तर से ऊपर की ओर बना गया है कोंडागांव 8 और दंतेवाड़ा के दक्षिण की ओर बनाया गया है सुकमा 9। ये अब प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 27। अब विगत वर्ष में जो क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? तो धमतरी नहीं है। धमतरी जिला 1998 में इसका गठन हुआ है। इस है 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बनाए गए? तो हमने पढ़ा है 9 नए जिले बनाए गए। नेक्स्ट है दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसमें जिलों की संख्या 18 थी, अभी हमने इसको पढ़ा है। अब दौर आता है 2019 में घोषणा किया गया, जो 10 फरवरी 2020 को यह जिला अस्तित्व में आया। यह दिन छत्तीसगढ़ राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस है, उसी दिन यह जिले का गठन किया गया। यह बिलासपुर के इस हिस्से को अलग करके बनाया गया गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो प्रदेश में पहले 27 जिला था और एक नए जिले बनने के बाद अब जिलों की संख्या हो गए 28। यह उस टाइम प्रश्न आए थे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान जिलों की संख्या कितने थी, तो उस टाइम यह प्रश्न में 28 जिले थी, इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अब जो प्रश्न में आएगा वह आ जाएगा